हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके सामने ऑल न्यू ह्युंडई क्रेटा 2020। इसका प्राइस 9.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और टॉप वेरिएंट का प्राइस 17.2 लाख रुपीस है। ह्युंडई क्रेटा में आपको तीन इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक 1.5 लीटर इंजन में। इसका एक्स शोरूम प्राइस 16.15 लाख रुपीज़ है पेट्रोल वेरिएंट के लिए और 17.20 लाख रुपीज़ है डीजल वेरिएंट के लिए। इस कार में आपको आगे की तरफ एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एलईडी डीआरएल्स के साथ, और नीचे की तरफ इंडिकेटर्स और फॉग लैंप मिल जाते हैं। सेंटर में आपको मैसिव ग्रिल मिल जाती है क्रोम सराउंडिंग्स के साथ। साइड पे चलते हैं तो आपको मिल जाते हैं एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ओआरवीएम के ऊपर, ऑटो की बैजिंग और 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स विद ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स। टायर्स की प्रोफाइल है 215/60R17। इस वेरिएंट में आपको क्रोम डोर हैंडल्स भी मिल जाते हैं, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना भी है, और पीछे की तरफ वाइपर वॉशर और डिफॉगर भी है। एलईडी टेल लैंप्स भी मिल जाते हैं इस वेरिएंट में, और नीचे की तरफ चार पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं और रिवर्स पार्किंग कैमरा की पोजिशनिंग यहाँ पे है। चलिए अब कार के अंदर चलते हैं। यहां आपको मिल जाते हैं ओआरवीएम के कंट्रोल्स और विंडो कंट्रोल्स, और यह है ड्राइवर साइड से इंटीरियर का लुक। इस कार में आपको ब्लू लिंक की फैसिलिटी भी मिलती है, ऑटो हेडलैम्प्स भी हैं। कीलेस एंट्री भी है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी अवेलेबल है। इस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS, EBT और 2 एयरबैग स्टैंडर्ड है। कूल्ड ग्लव बॉक्स भी अवेलेबल है और सेंटर में 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन भी है, और ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है सनग्लास होल्डर और पैनोरामिक सनरूफ। इस वेरिएंट में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है, जिसकी MID के बीच में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है इसमें। इलेक्ट्रिक IRVM का ऑप्शन भी है। LED लैंप्स मिल जाते हैं इसमें। और मैसिव सनरूफ वन टच फंक्शन के साथ। काफी वाइड ओपनिंग है इसकी। क्रेटा में आपको एयर प्यूरिफायर भी मिल जाता है, और गियर बॉक्स के आगे आपको वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर IVT गियर बॉक्स दिया गया है। जब आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कैमरा शुरू हो जाता है और सेंसर्स का डिस्प्ले आपको MID पे आ जाता है।
इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक का भी ऑप्शन है, ड्राइवर ट्रैक्शन कंट्रोल्स भी हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, कंफर्ट मोड। और ट्रैक्शन में आपको मिल जाते हैं स्नो, मड और सैंड का ऑप्शन। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मैप्स, ब्लू लिंक, यूएसबी, एफएम जैसे काफी फीचर्स हैं। ये पेट्रोल वेरिएंट है, इसमें आपको 113 की पावर और 144 का टॉर्क मिल जाता है। पेडल शिफ्टर्स भी हैं, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी है और ये हैं एमएडी के कंट्रोल्स। यहां आपको मिल जाते हैं टेलीफोन कंट्रोल्स और मीडिया कंट्रोल्स। वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन है, ऑटो होल्ड और काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है ग्लव बॉक्स के अंदर। हैंडरेस्ट भी जो है वो स्टोरेज के साथ आता है। अब कार की रियर सीट्स में चलते हैं। यह रियर डोर का लुक, सनरूफ, इस वेरिएंट में आपको बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं आपको इसके अंदर और जो आर्मरेस्ट है वो कप होल्डर्स के साथ मिलता है। विंडो ब्लाइंड्स भी हैं इस वेरिएंट में, गर्मियों में बहुत यूजफुल फीचर है। चलिए कार के अंदर चलते हैं। यहां आपको मिल जाते हैं रियर एसी वेंट्स, यहां पे भी एक लाइट अवेलेबल है। और ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। इस कार की हाइट 4300 mm है, विड्थ 1790 mm, हाइट 1635 mm है और व्हील बेस 2610 mm है। इस कार के अंदर आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। बूट के अंदर आपको लाइट भी अवेलेबल है, पार्सल ट्रे भी है और बॉस का सब वूफर भी अवेलेबल है। स्पेयर व्हील आपको इसमें 16 इंचेस का मिलता है 205/65 सेक्शन में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।